हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं इंडिया में जितने भी साइन और सिंबल है ट्रैफिक वाला, उसके बारे में बारी बारी से सारे के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, इंफॉर्मेटरी साइन है, कॉशनरी साइन है और मैंडेटरी साइन है। बारी बारी से इन साइनों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक ना। अगर आपको साइन का नॉलेज नहीं है और आप गाड़ी लेकर निकल जाते हैं रोड पे, सडनली आप सेफ्टी उस टाइम नहीं रहते और एक्सीडेंट हो जाता और कुछ गलत करते हैं या फिर फाइन देना पड़ता, तो इसके लिए हम बारी बारी से प्रत्येक साइन के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा, ये देखेंगे फर्स्ट जो दिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आज कॉशनरी साइन। कॉशनरी साइन का मतलब होता है सावधानी के संकेत, मतलब सावधानी मतलब वो आपको सेफ्टी रखता है कॉशनरी साइन की, मतलब आगे रोड आपको ऐसा है या फिर चौड़ा है, आगे पुल है, तो कॉशनरी साइन मतलब सावधानी के संकेत, आपको संकेतिक करता है, ठीक ना। तो देखिए क्या है, फर्स्ट जो है राइट हैंड कर्व है, फर्स्ट जो है राइट हैंड कर्व है, मतलब जब भी कॉशनरी साइन होंगे ये होंगे त्रिभुज में होंगे और रेड कलर में होंगे, ठीक ना। तो इसे राइट हैंड कर्व है, तो मतलब ये हो गया आर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये रोड है, ठीक ना। तो ऐसे इधर अगर मुड़ा हुआ है रोड, आपको उसके पहले लिखा होगा ऐसा सिंबल होगा, मतलब राइट की ओर रोड मुड़ा हुआ है आगे जा करके। सेकेंड जो है आपका लेफ्ट हैंड कर्व है, मतलब ये हो गया आपका मतलब इधर की ओर रहेगा आपका रोड मुड़ा हुआ, ठीक ना, जैसे कि इधर की ओर रहेगा आपका रोड मुड़ा हुआ। एंड थर्ड आप जो देख रहे होंगे, ये थोड़ा सिंबल उल्टा छपा गया, सॉरी इसके लिए, ये रोड ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपका ये होगा जो होगा ऐसा होगा, ओके ना, ये लेफ्ट की ओर होगा, इधर लेफ्ट इधर राइट, तो ये होगा जो होगा इधर की ओर होगा मुड़ा हुआ। एंड नेक्स्ट जो है राइट हेयर पिन बैंड, मतलब इधर लेफ्ट इधर राइट, मतलब आगे जा कर के रोड पूरा एकदम टर्निंग है, तो इसको बोलते हैं राइट हेयर पिन बैंड, मतलब इस तरह से घुराव रोड रहेगा। एंड नेक्स्ट जो है लेफ्ट हैंड पिन बैंड है, मतलब रोड आगे जा कर के पूरा मुड़ाव लेफ्ट की ओर है, राइट की ओर नहीं लेफ्ट की ओर है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड पिन बैंड, ओके ना, लेफ्ट हाथ की ओर, ठीक ना, पिन बैंड रहेगा। एंड आगे जो दिया हुआ है राइट रिवर्स बैंड, मतलब आगे जाइए फिर थोड़ा सा ऐसे आइए, जैसे कि देखिए रोड गया है थोड़ा सा, फिर इधर आया फिर आगे गया, तो इसको बोलेंगे राइट रिवर्स बैंड, तो आप सावधानी हो जाइएगा, जैसे कि राइट रिवर्स बैंड रहेगा तो आगे जाके फिर आपको इधर लेना है फिर आपको आगे जाना है, अगर वही लेफ्ट रहेगा तो इसको ऐसा सिंबल रहेगा लेफ्ट रिवर्स बैंड की ओर रहेगा, ओके। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे जो है स्टीप असेंट है, स्टीप असेंट मतलब होता है जब आपको चढ़ाव हो ना, मतलब आगे आप बहुत बड़ा चढ़ाव, जैसे कि आप देख रहे होंगे ऐसा है और गाड़ी चढ़ रही है, तो स्टीप असेंट बोलते हैं चढ़ाव की ओर जब रहेगा, तो आपको मतलब जैसे कि यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा स्लो हो जाओगे, अपना गियर कम कर लोगे और चढ़ाव पे चढ़ोगे, तो ऐसा रहेगा आपका सिंबल। एंड स्टीप डिसेंट मतलब जहाँ पे ढुलाव रहेगा ना, तो आपको स्लो हो जाना है, वहाँ पे ढुलना है तो थोड़ा स्लो हो जाओगे, तो स्टीप डिसेंट मतलब होता है ढुलाव, जब भी आगे ढुलाव रहेगा उसके पहले आपको बोर्ड लगा होगा स्टीप डिसेंट का। एंड आगे जो है नैरो रोड अहेड, मतलब नैरो रोड अहेड मतलब कि अभी तो आप ज़्यादा रोड में चल रहे हैं, जैसे कि आप अभी जो है यहाँ पर मान लीजिए 20 फीट का रोड में चल रहे हैं, ठीक ना, और आगे जा कर के ऐसे आगे मतलब 10 फीट रोड है, तो इसको बोलते हैं नैरो रोड अहेड बोलते हैं, मतलब आगे जा कर के जो रोड है आपका कम हो जाता है, सकरा हो जाता है, तो नैरो रोड अहेड बोलेंगे उसको। एंड आगे है रोड बिडनेस अहेड, बिडनेस मतलब चौड़ा, मतलब अभी आप कितना 10 फीट में चल रहे हैं ना जी, अब आगे जो है आपका 30 फीट हो जाने वाला है, मतलब चौड़ा हो जाने वाला है, तो अहेड बिडनेस रोड मतलब आगे जाकर के आपका जो रोड है चौड़ा हो जाने वाला है, तो आगे जाके आप स्पीड चल सकते हैं। एंड आगे जो है नैरो ब्रिज, नैरो ब्रिज मतलब क्या हो गया, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका 30 फीट है और यहाँ जो बीच में है 10 फीट है, फिर आगे 30 फीट है, मतलब एक आप जा रहे हैं बीच में वो ब्रिज है, तो सडनली आप स्लो हो जाइए यहाँ पे, और जैसे कि आप 30 फीट चल रहे हैं आगे स्लो हो जाइए, मतलब एक ब्रिज है जो कि पतला है, ठीक ना, और पतला से घुस के फिर आगे सही आपको रोड मिल जाएगा, तो नैरो ब्रिज अगर आगे रहेगा तो इस टाइप का आपका बोर्ड लगा होगा, ओके ना। एंड आगे जो है आपका स्लिपरी रोड है, मतलब आपका टायर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ है, तो आगे जो रोड है वो स्लिपरी है, मतलब फिसल सकता है चक्का उक्का, ठीक ना, पानी हुआ है वर्षा ऐसा कुछ है, तो आप स्लो चलिए, स्लिपरी रोड है, मतलब देख रहे हैं ना ये रोड ये। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे लॉस ग्रेवल,
लॉस ग्रेवल मतलब होता है ना कि मतलब रोड में जो है ना मतलब गड्ढा है ये है, मतलब रोड अच्छी तरीका से नहीं है, लॉस ग्रेवल है मतलब मिट्टी वाला रोड है ऐसा कुछ है, ठीक है ना, गड्ढा गुड्ढी होगा उसको बोलते हैं जर्किंग वाला रोड बोलते हैं ना, तो लॉस ग्रेवल वाला होता है वो। आगे है साइकिल क्रॉसिंग, मतलब आप साइकिल से चल रहे हैं ना तो यहाँ पे साइकिल क्रॉसिंग करते हैं, या फिर आप कार ही से चल रहे हैं तो ऐसा बोर्ड हो तो आप सडनली स्लो हो जाइए वहाँ पे, क्योंकि आगे साइकिल क्रॉसिंग है तो साइकिल क्रॉसिंग के पास आपको स्लो हो जाना है। आगे दिया हुआ है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग दिया हुआ है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग दिया हुआ मतलब आगे जो है जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग तो आप पढ़े होंगे ना, तो बस इसी को बोलते हैं पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बोलते हैं, मतलब आगे आदमी पैदल जाया आएगा रोड पे तो इसको पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बोलते हैं, ओके ना। एंड आगे है स्कूल अहेड, जैसे कि कहीं पे स्कूल होता है तो आप अधिकतर ये बोर्ड देखने को मिलता है, ठीक ना, स्कूल है तो बोर्ड लगा दिया स्कूल वालों ने, उनके बच्चे को क्रॉसिंग करने में प्रॉब्लम ना हो तो आपको यहाँ पे स्लो होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल अहेड मतलब आगे स्कूल है तो ऐसा बोर्ड लगाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पे देख करके पार कीजिए। आगे मैन एट वर्क मतलब वहाँ पे रोड पे काम चल रहा है, मतलब आदमी वहाँ पे काम कर रहे होंगे तो ऐसा बोर्ड वहाँ पे तत्काल के लिए लगा दिया जाता है। एंड आगे दिया हुआ कैटल, कैटल मतलब समझ रहे हो ना जानवर, जैसे गाय भैंस बकरी ये सब वहाँ पाला जाता है और रोड क्रॉस करते रहता है, ठीक ना, तो वहाँ पे कैटल बोलते हैं कैटल का। एंड आगे जो बोलते हैं फैलिंग रॉक्स, फैलिंग रॉक्स होता है, फैलिंग रॉक्स मतलब वहाँ पहाड़ वहाड़ है और अधिकांश आपका जो है चट्टान गिरते रहता है तो उसको फैलिंग रॉक्स बोलते हैं, ऐसा आपका बोर्ड लगा रहेगा। एंड फैरी, फैरी मतलब होता है ना कि जहाँ कि आपका समुद्र वगैरह आगे है, ठीक ना, तो फैरी वहाँ पे रहेगा, इस तरह का बोर्ड रहेगा, देख रहे हैं जहाज का इस तरह पानी दिया हुआ है ऐसे करके जहाज को दिया हुआ है। एंड ये हम कॉशनरी साइन पूरा जान गए, मतलब सावधानी के संकेत, अगर आप लेफ्ट राइट इसको देख करके चलते हो तो सडनली आप सेफ्टी रहते हो और खुश रहते हो अपनी ज़िंदगी में। एंड नेक्स्ट जो है जानेंगे इन्फॉर्मेटरी मतलब साइन मतलब सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत जैसे कि हमको जा रहे हैं और हमारा गाड़ी का पेट्रोल कम हो रहा है तो भैया हम किसी से पूछेंगे कि आगे पेट्रोल पंप नहीं, चलते हैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के अंदर हमेशा जो है ना आपको मिल ही जाएगा ये, ठीक ना, तो ये सब इन्फॉर्मेटरी साइन। जैसे कि यहाँ दिया हो पेट्रोल पंप का, तो आप देखते होंगे पेट्रोल पंप है लोकल में भी तो उसके आसपास में बोर्ड लगा देगा ऐसा वाला, और जब भी इन्फॉर्मेटरी साइन होगा ना तो इस तरह का होगा और उस साइन जो है ना बुल्लू में बनाएगा, चरखुट बनाएगा, इसे रिक्टेंगल शेप में ऐसे करके ऐसे बनाएगा, देख रहे हैं ना सब उसी है बुल्लू में, तो मतलब इन्फॉर्मेटरी साइन वो कहलाता है। जैसे कि पेट्रोल टंकी रहेगा तो ऐसा वाला आपका फिगर रहेगा, पेट्रोल वा डाले वाला रहेगा। एंड आगे है पब्लिक टेलीफोन, मतलब जब आप आपके पास फ़ोन है या डिस्चार्ज है कुछ भी आपको नंबर याद है तो आप देख सकते हो ऐसा बोर्ड रहेगा, तो वहाँ पे पब्लिक टेलीफोन है आप जाके कॉल कर सकते हो। आपको भूख लगी है जोर से आप जा रहे हो बाईपास में तो अगर कहीं रेस्टोरेंट है ना ईटिंग वाला खाने वाला तो आपको इस तरह से होगा चम्मच एक होगा कांटा वाला एक खाने वाला खीर पूड़ी ऐसा, तो वो होगा ईटिंग प्लेस वाला होगा ऐसा रहेगा आपका साइन। एंड जो है नेक्स्ट जो है लाइट रेस्टोरेंट होगा, ठीक ना, लाइट रेस्टोरेंट मतलब वहाँ पे आप चाय बर्गर मतलब हल्का भोजन कर सकते हो, ठीक ना, लाइट रेस्टोरेंट मतलब चाय कॉफ़ी गर्लफ्रेंड को ले जा सॉरी ओके ना ये सब कर सकते हो लाइट रेस्टोरेंट में। एंड आगे जो है फर्स्ट एंड पोस्ट मतलब जो आगे जो है ना आपका हॉस्पिटल जब रहेगा तो आपको बोर्ड जो है ऐसा प्लस का निशान दिखेगा और वो जो प्लस रहेगा वो रेड में रहेगा तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड पोस्ट। आगे जो है हॉस्पिटल्स है, अगर बड़ा हॉस्पिटल आगे है ठीक ना तो आपका एक बेड रहेगा एंड प्लस का ऊपर सिंबल रहेगा उसको बोलते हैं हॉस्पिटल। अगर आगे आपका ये है रेस्टिंग प्लेस है तो उसके आगे बोर्ड लगा देगा ठीक ना रेस्टिंग प्लेस ऐसे बेड सिर्फ रहेगा, ये नहीं समझ आएगा देखो इसमें भी बेड है इसमें भी बेड है लेकिन इसमें क्या है प्लस का है तो इसमें हॉस्पिटल हो गया लेकिन इसमें खाली बेड है तो रेस्टिंग प्लेस मतलब यहाँ पे आपको रेंट पे रूम मिल सकता है बेड मिल सकता है एसी वाला रूम मिल जाएगा तो रेस्टिंग प्लेस रहेगा ओके ना। एंड आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग है ओके ना, रेलवे क्रॉसिंग मतलब आगे क्रॉसिंग वगैरह रहेगा ना तो इस तरह रेल का रहेगा धुआं निकलते रहेगा ऐसा रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है देखिए ऐसा 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 भी रहता है ना जी तो इसको भी बोलते हैं रेलवे स्टेशन बोलते हैं आगे रेलवे स्टेशन या रेलवे क्रॉसिंग है। एंड आगे देखिए बस स्टॉप, बस स्टॉप मतलब क्या हो गया मतलब आगे बस रुकती है आपको यहाँ जाना है या फिर देहरादून या फिर कहीं और जाना है तो आपका जो बोर्ड रहेगा ऐसा रहेगा और बस का फिगर भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आइए जाएगा कि बस स्टॉप है। एंड आगे देखिए पुलिस स्टेशन अगर रहेगा तो ऐसा रहेगा
हम तो देखते हैं, डेली देखते हैं, गुजरते हैं, घर वक आगे पुलिस स्टेशन है मेरा, तो देखते हैं तो ऐसा बोर्ड लगा रहता है पुलिस स्टेशन का, आप भी देखते होंगे। चलिए नेक्स्ट जो है नो थ्राउच रोड, आप सीधा जा रहे, अगर ऐसा बोर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट है भैया, देख लीजिए आप, नो थ्राउच रोड मतलब आप जा रहे हैं लेकिन आगे अगर जाइएगा ना तो रेड जो दिख रहा है ना, आगे रोड है ये नहीं, वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा, तो कृपया इस रोड में ना जाए, नो थ्राउच रोड, ठीक ना। अगर मान लीजिए इस रोड में यहाँ घर है तो आप जा सकते हैं इसके आगे, लेकिन रोड नहीं है इसका मतलब यही हुआ। एंड आगे दिया नो थ्राउच साइड रोड, नो थ्राउच अगर इधर रहेगा रेड वाला, तो मान लीजिए कि इधर अगर आप जा रहे हैं तो इधर यहाँ रेड जो है वहाँ पर रोड नहीं है, नो थ्राउच साइड रोड है, साइड में आपका रोड नहीं है, अगर इधर वाला ये रहेगा इधर रेड रहेगा तो इधर आपका रोड नहीं है। एंड यहाँ दिया हुआ देखिए ध्यान से, पार्किंग वथ साइड, मतलब ऐसा बोर्ड रहेगा तो इधर भी आप पार्किंग लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, आपका पार्किंग में काहे ना हो, मतलब गाड़ी हो, फॉर्चूनर हो, या फिर साइकिल हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, मोटरसाइकिल, तो दोनों साइड में आप पार्किंग लगा सकते हैं। अब आगे देखिए ऐसा दिया हुआ है, ब्लू कलर का पी लिखा हुआ, तीन को लगता है टैक्सी है, हाँ जी टैक्सी स्टैंड, मतलब टैक्सी स्टैंड मतलब जहाँ की सिर्फ टैक्सी लग सकती है, ठीक ना, तो टैक्सी पार्किंग के लिए ऐसा होता है। नेक्स्ट जो है स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल स्टैंड, देखिए स्कूटर का दिया हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ आप स्कूटरें लगा सकते हैं या फिर आप मोटरसाइकिल लगा सकते हैं, बात हुआ स्कूटी वगैरह लगा सकते हैं। तो हमने इन्फॉर्मेटरी साइन के बारे में बात किया कि हमको ये इन्फॉर्म करता है कि पेट्रोल है, रेस्टोरेंट है या फिर कुछ और है, ठीक ना, पेट्रोल है, रेलवे स्टेशन, ये सब के बारे में। नेक्स्ट जो हम जानने वाले हैं दोस्तों, ये सबसे खास है और सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मैंडेटरी साइन मतलब अनिवार्य संकेत आपको नहीं मालूम है तो देन आप फेरा में फंस सकते हो, देन आपको उस टाइम पे आपको लॉस भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंडेटरी साइन के बारे में हम बता रहे हैं, तो फर्स्ट जो है ना स्ट्रेट प्रोहिबिटेड फॉर नो एंट्री, मतलब आप यहाँ नहीं घुस सकते हो, अगर घुसते हो तो आपको पब्लिक तो गरीबे करेगा, हो सकता है मारेगा भी, पुलिस भी आगे रहेगा, फाइन कर देगा 20,000-50,000 का, तो इसको आप देखिएगा जब ऐसा रहेगा, और जब भी मैंडेटरी साइन रहेगा ना तो आप समझिएगा ना कि इसमें मतलब ध्यान से देखिए उसको, तो हमका लॉस होगा, हमका भाई, ठीक ना, हमको भी लॉस हुआ है, बहुत बार हुआ है, उसके बारे में लास्ट में वीडियो के बात करेंगे। तो स्ट्रेट प्रोहिबिटेड और नो एंट्री, अगर आपको सीधा नहीं जाना है तो इस तरह का सिंबल गोल में रहेगा, हमेशा गोल में रहेगा और रेड रहेगा, ठीक ना, मतलब नहीं करना है तो रेड रहेगा, करना है ना थोड़ा बहुत तो ऐसा ब्लू में रहेगा, देख लीजिएगा नीचे। तो अभी बारी बारी से बात करते हैं, तो स्ट्रेट प्रोहिबिटेड और नो एंट्री मतलब आप ऐसे में नहीं घुस सकते। नेक्स्ट है वन वे साइन, मतलब इसमें एक ही वे है, एक ही तरफ का रास्ता है, दो वे नहीं है, ठीक ना, वन वे का रहेगा तो इस तरह। एंड वन वे साइन मतलब इधर का, देखिए दोनों दिया हुआ है सेम जी, तो इसमें वन वे में ऐसे है, मतलब इसमें घुस सकते हैं, ठीक ना, वन वे साइन मतलब घुस सकते हैं सीधा। अब इसमें दिया वन वे साइन मतलब इसमें सिर्फ आ सकते हैं, हमारे मतलब सरकार भी ना इधर रूल बना दिया, पहले दोनों जाते थे घूमने लेकिन अब नहीं देता गाड़ी घुसाने, सिर्फ जा सकते हैं एक रोडवा में और उधर से घूर के आइए 1 किलोमीटर से तो उधर से आ सकते हैं, साला फेरा कर दिया, तो वन वे साइन इधर जा सकते हैं, वन वे साइन ऐसे रहेगा तो इधर आ सकते हैं। आगे दिया हुआ है व्हीकल प्रोहिबिटेड इन वर्थ डायरेक्शन, मतलब आप दोनों डायरेक्शन में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक ना, मतलब दोनों डायरेक्शन में आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, अनिवार्य है चलाना। आगे दिया हुआ है ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें कोई भी गाड़ी आपको नहीं चलाना है, इसमें चलेगा तो आदमी चलेगा या फिर सब्जी मंडी में है, ऐसा बोर्ड लगा दिया जाएगा कि कोई भी इसमें गाड़ी मोटर भाई इसमें नहीं घुसाना है, घुसाओगे तो फाइन भरोगे। नेक्स्ट जो है ट्रक प्रोहिबिटेड, मतलब इसमें आप जो है ना देखिएगा ट्रक प्रोहिबिटेड मतलब इसमें आप जो है कि आप गाड़ी को नहीं घुसा सकते हैं, कौन सा गाड़ी, तो ट्रक प्रोहिबिटेड सिर्फ दिया हुआ, अगर यहाँ रहता कि साइकिल प्रोहिबिटेड मतलब आप साइकिल नहीं घुसाते, तो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ गोल और ट्रक का चिन्ह दिया हुआ है, तो ट्रक प्रोहिबिटेड दिया हुआ तो ट्रक नहीं घुसा सकते। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बुलॉक कार्ट, ब्लॉक कार्ट्स प्रोहिबिटेड मतलब इसमें जो टांगा रहता है ना गाय भैंस वाला उसमें आप नहीं घुसा सकते हैं। एंड आगे जो है टोंगा प्रोहिबिटेड, जो टमटम रहता है ना उसको आप इसमें नहीं घुसा सकते हैं, ठीक ना। एंड आगे हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड मतलब इसमें जो आप हाथ में सामान लेकर के कुछ ट्रॉली बैग से आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पर रहेगा हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड रहेगा।
एंड साइकिल प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे आप साइकिल नहीं घुसा सकते हैं, ऐसा रहेगा साइकिल का चीज। आगे दिया हुआ पेडिस्ट्रेशन प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पर आप पैदल नहीं चलिए, यहाँ ट्रक मोटर बड़ा बड़ा गाड़ी चलेगा, आप पैदल जाइएगा तो मर भी सकते हैं, स्टूडेंट हो सकता है। तो पेडिस्ट्रेंस प्रोहिबिटेड, पेडिस्ट्रेन मतलब आप पैदल चलना, तो आप पैदल नहीं चल सकते हैं। आगे दिया राइट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आप जा रहे हैं लेफ्ट मुड़ सकते हैं, राइट भी मतलब सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन राइट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब लेकिन राइट जाइएगा तो आपको जाना नहीं है, वहाँ बैंड लगा हुआ। आगे देखिएगा दोस्तों लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते हैं, लेफ्ट साइड आप नहीं मुड़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, पीछे तो आइए रहे ना जी, पीछे जा सकते हैं, लेकिन आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते हैं। यू टर्न प्रोहिबिटेड, आप वहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप ऐसे नहीं मुड़ सकते हैं, यू टर्न नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, इधर हो या फिर इधर हो आप नहीं ले सकते हैं। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, जैसे ओवरटेकिंग जल्दी जल्दी सब करता है ना, वहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो नहीं, पुलिस बोर्ड लगा दिया वहाँ पे ऐसा वाला। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड मतलब अगर आप यहाँ ओवरटेकिंग करते हैं और पकड़ा जाते हैं तो फिर गए, नहीं तो करते वक्त एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ऐसा वाला बोर्ड रहेगा ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का रहेगा, ओके ना। आगे दिया हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते अगर ऐसा बोर्ड रहेगा तो। एंड नेक्स्ट जो है ब्लॉक कार्ट एंड कार्ड कार्ट प्रोहिबिटेड, मतलब आप यहाँ पे टांगा उंगा ले जाना मना है, और कुछ भी पैदल सामान ले जाना कुछ भी यहाँ नहीं ले जाना है, ठीक ना, गए भाई कुछ नहीं ले जाना है। एंड नेक्स्ट जो है ना लेंथ लिमिट, अब देखिए वो बताते हैं लेंथ लिमिट का क्या है। तो देखिएगा जैसे कि इस गाड़ी को जो है ना लेंथ लिमिट यहाँ दिया हुआ है, तो ये गाड़ी है, गाड़ी का 10 मीटर जैसे ट्रक का दिया हुआ है ना जी, तो इसका लेंथ लिमिटेड है, समझ रहे ना, यहाँ पे आप 10 मीटर से आगे लेंथ मतलब ये हो गया लंबाई जो इसका है लिमिट है, इसलिए ही देता है क्योंकि कहीं छोटा टर्निंग दिया हुआ आगे दोस्तों, और लंबा रहेगा ढेर गाड़ी तो क्या मुड़ पाएगा, मुड़ने में देखते हैं ना ऐसे मुड़ता है गाड़ी तो टकरा जाएगा, तो इसलिए कहीं कहीं पे ये बोर्ड लगा दिया जाता है दोस्तों लेंथ लिमिट, तो आप घुस तो जाइएगा लेकिन आगे से मुड़िएगा नहीं, तो 10 मीटर से अगर आपका लंबा है गाड़ी तो आप नहीं हिल सकते हैं, ओके ना। नेक्स्ट जो है आपको बताना चाहेंगे ये स्पीड लिमिट क्या है, स्पीड लिमिट है मतलब आप 50 के मतलब प्रति घंटा, मतलब 50 दिया हुआ तो ही नहीं कि 50 से स्पीड चलेगा, ऐसा नहीं के अगर बात यही बा ना कि 50 मतलब लिमिट है ना कि आप प्रति घंटा मतलब 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं ऐसा वाला रोड से, एक घंटा में 50 किलोमीटर करना है, और ज़्यादा करिएगा तो थोड़ा बहुत मेकअप होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। लोड लिमिट मतलब 5 टन, तब कोई गाड़ी है उस पर उतना लोड कर दिया, ओवरलोडिंग लेके चलता है तो देखते हैं ना टायरवा ब्लास्ट हो गया या फिर पलटा गया गाड़ी, तो इसीलिए दिया होता है रोड के अकॉर्डिंग लोड लिमिट, आप इतना लोड से अधिक नहीं ले जा सकते हैं। एंड हाइट लिमिट, हाइट मतलब हो गया कोई भी गाड़ी का ना हाइट, मतलब ऐसे इससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है हाइट लिमिट, मतलब 3.5 के अलावा आपका हाइट ये हो गया, हाइट इससे ज़्यादा रहेगा ना तो आपको नहीं लिमिट करना, क्योंकि उसका हो सकता है रोडवा में ताड़ हो ऐसे ऐसे हो कुछ और हो बोर्डे लगल हो ऐसा हो, तो इसीलिए दे देता है बोर्ड हाइट लिमिट, इस रोड में अगर घुस रहे हैं ना तो आपका हाइट इतना ही होना चाहिए गाड़ी का तभी आप उसमें घुस सकते हैं। एंड बिडनेस लिमिट, बिडनेस मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो गाड़ी है ना इसका बिडनेस मतलब चौड़ाई जो है ना आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए ठीक ना, 2 ही मीटर होना चाहिए तब आप घुस सकते हैं। एक्सल लिमिट, तो गाड़ी के नीचे जो होता है ना एक्सल होता है, तो एक्सल का जो लिमिट होना चाहिए ना मतलब एक्सल तो ऊँचाई में होना चाहिए, 4T पे होना चाहिए ठीक ना, तो एक्सल लिमिट देख रहे हैं एक्सल होता है गाड़ी के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सल के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक्सल लिमिट होता है, बीच में एक्सल होता है लेफ्ट राइट का, और चक्का यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्टेयरिंग कनेक्ट होता है, तो एक्सल लिमिट भी होना चाहिए। एंड आगे दिया हुआ पेडिस्ट्रेशन इंड साइन, मतलब जो रोड आगे जाने वाला है ना बहुत सुनसान है, और क्या बोलते हैं उसको, आपको आगे जा रहे हैं ना तो वहाँ पर कोई साइन और सिंबल बताए वाला नहीं रहेगा कि हॉस्पिटल है या फिर कबड़खाना है या फिर राइट मुड़ना है, मतलब पेडिस्ट्रेशन इंड साइन मतलब इसके आगे आपको कोई भी साइन नहीं मिलेगा। एंड आगे जो है देखेंगे हम लोग, आगे जो है यहाँ पर दिया हुआ नो पार्किंग, नो पार्किंग मतलब यहाँ पर आपको गाड़ी नहीं लगाना है, वो चालू रोड है वहाँ पे मान लो किसी का प्राइवेट ज़मीन ही है ठीक है ना, तो अपना बोर्ड लगा दिया ऐसे करके ऐसे कर दिया, मतलब नो पार्किंग। आगे दिया हुआ है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, मतलब ऐसा रहेगा और कट कूट रहेगा ना रेड वाला में, तो मतलब वहाँ पे आप ना खड़ा हो सकते हैं ना रुक सकते हैं ना पार्किंग लगा सकते हैं, तो नो स्टॉपिंग ना खड़ा होना है और ना स्टैंडिंग ना रुकना है। एंड आगे दिया हुआ है
कॉम्पल्सरी अहेड ओनली, मतलब आपको कंपलसरी मतलब आगे की ओर ही जाना है, देन इसका सामने ऐसा आपका सिंगल रहेगा। कंपलसरी कीप लेफ्ट, आपको कोई हाल में ना सीधे जाना है ना राइट जाना है ना पीछे, मतलब आपको जब भी जाना है तो लेफ्ट ही जाना अनिवार्य है, कंपलसरी मतलब जाना ही है, अनिवार्य है, ठीक ना। आगे कंपलसरी टर्न लेफ्ट, आपको लेफ्ट ही लेना है, कंपलसरी टर्न राइट, आपको राइट ही लेना है, कंपलसरी टर्न राइट अहेड, मतलब आपको आगे जा करके राइट ही लेना है, ठीक ना, राइट यहाँ पे कंपलसरी टर्न लेफ्ट अहेड, आगे जाके आपको लेफ्ट ही लेना है, ऐसा रहेगा। लेफ्ट मतलब इधर हो गया, दाएं बाएं राइट लेफ्ट समझ रहे होंगे। एंड कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट, मतलब आप सीधे जा सकते हैं, जैसे सीधे भी जा सकते हैं नहीं तो लेफ्ट ले सकते हैं, दो काम में एक काम भैया। देखिए कंपलसरी अहेड मतलब आप आगे जा सकते हैं और टर्न लेफ्ट या फिर लेफ्ट ले सकते हैं, कंपलसरी अहेड और टर्न राइट मतलब आगे जा सकते हैं या फिर राइट ले सकते हैं, सेम थिंग्स। एंड आगे जो है कंपलसरी साइकिल ट्रैक, मतलब आप अपना जो है ना साइकिल ट्रैक पे ही चलिएगा। एंड आगे जो है कंपलसरी साउंड हॉर्न, मतलब आप ज़रूरत के हिसाब से अपना हॉर्न बजा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप जैसे कि आप जाने हैं ये तीन प्रकार का साइन है, जैसे कि कॉसिनरी साइन आपको जब भी मिलेगा त्रिभुज में मिलेगा, रेड में मिलेगा, ओके ना। एंड जो है इन्फॉर्मेटरी साइन जब भी मिलेगा ब्लू कलर में मिलेगा, रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा। एंड जो है मैंडेटरी साइन मतलब अनिवार्य संकेत, ये बहुत ही सेफ्टी है, ये तो आप याद कर लीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो फंस जाइएगा। हम तो नो एंट्री में घुसा दिए थे, नया जगह गए, फाइन भरना पड़ा, मेरे पास था भी नहीं, बगल वाला पैसा दिया, बताते रहें। मैंडेटरी साइन ये सब बहुत ज़रूरी है जानना आपको, आपका गाड़ी कितना है कैसे है, आप कहीं भी घुसा दीजिएगा, दिस इज़ अ नॉट बेस्ट नॉलेज फॉर यू, ओके ना। तो ये साइन आप याद कर लीजिएगा, वीडियो को 102 बार देख लीजिएगा, और ये साइन बहुत ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। और ये साइन के बारे में बिहार पुलिस ड्राइवर में भी पूछा जाता है, या फिर DL का टेस्ट होगा तो ये तीनों साइन के बारे में आपसे पूछा जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोटर ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको वीडियो लेकर के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, और साथ में आप भी मनाइए कि मेरा दिन शुभ हो, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, थैंक यू।